साहित हलेड देख रहे सारे ही दोस्तों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करते हाँ कि तुसीं सारे ही चढ़दी कला विच होवोगे। दोस्तों, किताब खाड़कू संघर्ष की साखी दे विचों एक लिखत तुहाडे नाल सांझी करन जा रहा। मैं ये दस देना जरूरी समझदा कि यह जो किताब है ये उस वेले दे संघर्ष दे विच बहुत वड्डा योगदान पाउण वाले गुरु के एक जुझारू सिंह वालों लिखी हुई है। वह अज चढ़दी कला दे विच हन अते पंथ दीआं सेवावां निभा रहे ने। लिखते हैं कि सन 1986 के शुरू विच भाई मनवीर सिंह चहेड़ू ने जलंधर नेड़े सानू ठाहर दित्ती, जो कि एक ब्राह्मण डॉक्टर का परिवार सी। उसका हस्पताल घर विच ही सी। कमांडो फोर्स नाल संबंधित जदों कोई बंदा जख्मी हुंदा सी जां ज़्यादा बीमार हुंदा सी, इत्थे ही उसका इलाज हुंदा सी। जदों जनरल लाभ सिंह दे सट लग गई तां उसका इलाज भी इत्थे ही होया सी। जथेबंदी दे प्रमुख सिंघां नूं इस बारे पता सी। मैं, चाचा मथुरा सिंह ते जिंदा इत्थे आउंदे जांदे रहिंदे सां। इह डाक्टर नाल भाई मनवीर सिंह दी दोस्ती हुशियारपुर दे पहाड़ां विच शिकार खेडदिआं होई सी। दोस्ती ऐसी वधी कि उन्हें अपना घर अते हस्पताल सिंघां दी सेवा विच खोल दित्ता। जदों मैं पहली बार चाचा मथुरा सिंह अते भाई मनवीर सिंह जी नाल कार विच बैठ के इत्थे आया तां उहदी घरवाली ते बच्चिआं ने साडे लई बैठक खोल दित्ती ते बहुत खुशी नाल चाह पाणी दा प्रबंध करन लगे। उह डाक्टर नहा के साडे कोल आ गया। उह 6 फुट तों उच्चा भारे शरीर वाला बंदा सी ते आ के भाई मनवीर सिंह नाल खाड़कू कारवाइयां बारे गल करन लग पिया। उह आपस विच बहुत खुल के गल्लां कर रहे सी ते घरवाली कोल खड़ी सी जिसने साड़ी पहनी हुई सी। ये सारा चक्कर देख के असी भी हैरान हो रहे सी कि ये सानू कित्थे लै आया है। साडे लई हैरानी वाले पल सन कि एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार खालिस्तान दीआं गल्लां कर रहा है। फिर भाई मनवीर सिंह ने साडी वाकफियत करवाई, दस्या कि ये मेरे भरा हन। उदों असी अपने मिथे हुए ना ही दसदे हुंदे सी। मेरा नाम सतीश शर्मा, जिंदे दा नाम विजय खन्ना ते चाचे दा नाम हरजीत सिंह दस्या। वो डॉक्टर बारे सानू कहा कि ये मेरा ही परिवार है, इत्थे तुसी जदों मर्जी आके जिन्ना चिर मर्जी रह सकते हो। ये हुण तुसी देखना है कि इस बंदे दा किन्हां तों बचा करना है, क्योंकि इन्हें ना नहीं करनी। भले ही हमले विच लै जावो, इन्हें कदे मना नहीं करना। असी उत्थे कई बार आ जांदे ते कई बार रात भी रहे ते कई बार उत्थे भाई मनवीर सिंह, जनरल लाभ सिंह ते बलवीर सिंह रायपुर भी आउंदे जांदे रहिंदे सन। उत्थे असला भी जमा रहिंदा सी ते कोई ना कोई गड्डी जां स्कूटर भी खड़ा रहिंदा सी। कोई शक नहीं सी करदा क्योंकि सिंघां नूं लोक मरीज़ ही समझदे सी। असी तां उस वेले घोन मोन ही सां। उन्हें साडे नाल संघर्ष बारे, हमलियां बारे, धर्म बारे, सियासत बारे सब मसलियां उत्ते अपने खुल के विचार देने। होर किसी दे विचार बहुते नहीं सी सुनदा। वह धर्म नूं नहीं सी मनदा, पर हिंदू धर्म इस दे देवी देवतियां ते जात पात दे बहुत विरुद्ध सी। इन्हां बारे तां उह स्पष्ट सी कि इह निरा ही पखंड है। उहदियां गल्लां तों लगदा सी कि जे उहदा वस चले तां उह इस नूं जड़ों पुट देवे, पर उह इनसानियत दे शुभ गुणां दी बहुत कदर करदा सी। इहो ही उसदा धर्म सी। उह बागी तबीयत अते क्रांतिकारी सुभाव वाला बंदा सी। कोई भी किते जूझदा सी उह उहदा हमदर्द सी। सिख गुरुआं ते इतिहास दी इन्हां गुणां करके ही उह दिलों कदर करदा सी। हौली हौली उसनूं फिर पता लग गया कि असी असल विच कौण हाँ, क्योंकि उन्हां दिनां विच जिंदे अते मथुरा सिंह दा अखबारां विच बहुत नाम आउंदा सी। पता लगण तों बाद उह साडे सिद्धे नां लैण लग पिया अते असी भी कोई इतराज़ नहीं कीता। उहदा हस्पताल बहुत वधिया चलदा सी, पैसे दी कोई कमी नहीं सी, पर उह पैसे दी परवाह नहीं सी करदा। उह सानूं कार विच अपने परिवार नाल बिठा के पंजाब दे किसे भी सिरे तक छड आउंदा सी, क्योंकि इस ते कोई भी शक नहीं सी करदा। साढ़े आउण उत्ते परिवार विच बहुत खुशी आ जांदी सी। असी बच्चिआं नाल खेडदे रहिंदे। कई वार साढ़े विच गल होणी कि संघर्ष विच काफ़ी बंदे नजायज़ ही मारे जांदे हन जां घर उजड़ जांदे हन। जिवें कई वारी कुछ खाड़कू जथे हिंदुआं नूं मार दिंदे सी। भले ही संघर्ष दा इह कोई मंतव नहीं सी अते किसे दे धर्म करके उसनूं सज़ा नहीं सी दित्ती जानी,
पर वह इन्हों गलों बारे बड़ा स्पष्ट सी। उदा मनना सी कि किसी वड्डे संघर्ष जां क्रांति विच इन्ना को नुकसान हुंदा ही है, इहदे बारे बहुता ना सोचिया करो, इस तों तुसीं बच नहीं सकदे। उसनों घूमण फिरन दा बहुत शौक सी अते बहुत घूमिया फिरिया सी। एक बार भाई मनवीर सिंह चहेड़ू ते जनरल लाभ सिंह ने साडे कोल गल कीती कि पैसे दी बहुत कमी आ गई है, किसी बैंक नूं लुट्टण बारे गल चल रही सी। तां पंडित जी ने कहा कि हिमाचल विच सेबां वाले इलाके विच फलां दे दिनां विच बैंकां विच करोड़ां रुपया जमा हुंदा है अते उत्थे कोई बहुती राखी भी नहीं हुंदी। मेरा एक दोस्त सेबां दी खेती करदा है जिस नाल मैं आप बैंक विच जाके देखिया है। जनरल लाभ सिंह होरां ने कहा कि आपां नूं देख लैणा चाहीदा है। सब दी राय बन गई। डॉक्टर मैनू ते जिंदे नूं चंडीगढ़ 17 सैक्टर विच मिलिया। असीं कहा कि चलो जाके देख लैंदे हाँ। उन्हें एक बीयर दी पेटी गड्डी विच रख लई ते सिगटां दी डब्बी डैशबोर्ड ते लख रही ते कहिंदा कि आपां हुण पहाड़ां विच आनंद करन जा रहे हाँ, आपां नूं किसे ने नहीं पुछणा। वह घर तां बहुत घट पींदा सी, उसदी घरवाली ते असीं उसनूं बहुत रोकदे सी पर वह हटिया नहीं। चोरी दूर किते कल्ला जाके पी आउंदा सी। असीं कसौली सोलन देखदे हुए रात नूं शिमले होटल विच ठहरे। अगले दिन असीं कोट खाई दे इलाके वल नूं गए। फिर उत्थे कई छोटे कस्बियां ते शहरां विच सेबां दा इलाका देखिया। वाकया ही उत्थे बैंकां विच बहुत पैसा सी अते गार्द कोई नहीं सी, पर वड्डी मुश्किल इहो सी कि पहाड़ां विच रस्ता इक्को ही हुंदा है, उत्थों कम करके निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूजी रात असीं छोटे जे कस्बे विच सरकारी बंगले विच रहे। बहुत ही रमणीक जगह सी। एक पहाड़ी नदी बड़ी तेज वग रही सी ते उहदे कोल बहुत ही पुरातन ते मशहूर मंदिर सी। पंडित जी इस मंदिर नूं पहलां वी जाणदे सी ते उहनें सानूं कहा कि तुसीं वी अंदर देवी दी मूर्ति दे दर्शन कर लवो। ये हिमाचल दी बहुत मशहूर मूर्ति है अते ये अष्ट धात दी बनी है जिस विच ज़्यादा सोना है ते कई क्विंटल दी है। असीं तड़के उठ के पाठ कीता ते नदी किनारे बैठ गए। फिर जिंदे दे कहण ते असीं मूर्ति देखण चले गए। उस वक्त मंदिर विच पुजारी दे सिवाए होर कोई भी नहीं सी। किसी देवी दी बहुत सोहनी मूर्ति सी ते उसका ज़्यादा हिस्सा जमीन विच गड्डिया होया सी। डॉक्टर ने कहा कि जे बैंक का काम नहीं बनता तो इनू ही कढ लो, इस विच बहुत सोना है। जिंदा हस पिया ते मैनू बड़ी हैरानी हुई कि यह की कही जाता है। वह असल विच दिलों कह रहा सी, शायद उसके दिल विच बुत्तां खिलाफ बहुत नफरत सी। असी घूमदे घमाउंदे चंडीगढ़ आ गए ते वह वापस जलंधर चलिया गया। बैंकां दा काम करना बहुत सौखा सी पर पैसा लैके निकलना बहुत मुश्किल सी, इस करके पैसों का विचार अगे पा दिता गया। जनरल लाभ सिंह ते पंडित जी ने दूसरा विचार मूर्ति वाला तय कर लिया। मैनू पता लग्या तां मैं चाचे मथुरा सिंह नूं कहा कि तू जाके उन्हां नूं समझा कि यह काम अपने लिए ठीक नहीं है। जनरल लाभ सिंह ने साडे मिलण तों पहलां जिंदे नूं भी इस काम लई तैयार कर लिया। फिर इस वास्ते असीं काफ़ी सिंघां विच गल कीती अते उत्थे ज़्यादा सिंघां ने ना कीती तां इह कारवाई दा विचार रुक गया। सन 1987 विच उह डॉक्टर परिवार समेत कनेडा चलिया गया अते फिर उत्थे ही रहा। इसे तरह ही एक ठार शहर खन्ने विच वी सी। इह बंदा शेर सिंह शेर दा मित्र सी, पंजाब यूनीवर्सिटी विच नौकरी करदा सी अते खन्ने विच रिहायश रखी सी। उह वी ब्राह्मण सी अते शेर सिंह नाल उसदा भरावां वाला संबंध सी। गुरनेक सिंह नेका, सोढ़ी रुड़का अते गुरदीप सिंह दीपा हीरा होरी भी उत्थे जाया करदे सन। उह बंदा भी संघर्ष नाल पूरा बज्जिया होया सी, इत्थों तक कि जथेबंदियां दे बयान भी तैयार कर दिंदा सी ते फिर वंडदा भी आप ही सी। ये सारे सिंह शहीद हो गए अते उस तों बाद मैं उसनू नहीं मिलिया।